तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक्यूएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ की। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है जिसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है वो है आपका स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। इस नोटिफिकेशन का यहाँ से आप पीडीएफ लिंक जो है दिया गया है इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे न्यूज पेपर में भी आ चुका है इस वैकेंसी के बारे में डिटेल। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो ईपीएफओ में जो वैकेंसी निकाली गई जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, अगर आप दोनों ही पोस्ट पे एलिजिबल हैं तो दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो अलग अलग फॉर्म फी यहाँ पे करना होगा, तो एप्लीकेशन फी आपको अलग अलग देना होगा, अलग अलग आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है वो है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एसएसए की पोस्ट है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आप अगर 62 डिग्री आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ में टाइपिंग स्पीड मांगा गया 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे हिंदी में, यानी कि दोनों में से कोई एक टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 2674 वैकेंसी है और यहाँ पे वैकेंसी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका प्रिपेयर किया जाएगा रीजन वाइज। तो रीजन वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई जो कि डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 साल है और यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन एज पर रूल यहाँ पे मिलेगा। यानी SC/ST को 5 साल, OBC को यहाँ पे जो है 3 साल का छूट मिलेगा। स्केल ऑफ पे की बात करें, लेवल 5 की सैलरी आपके यहाँ पे रहने वाली है। अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको स्टेनोग्राफर पोस्ट पे अप्लाई के लिए आपका 12 क्लास पास होना चाहिए, साथ में स्किल टेस्ट नॉर्म्स है, डिक्टेशन आपका 10 मिनट एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो 50 मिनट इंग्लिश में या फिर 65 मिनट हिंदी में ओनली ऑन कंप्यूटर पर आपका होना चाहिए। टोटल इसमें वैकेंसी है वह है 185 और एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा SC/ST OBC और PWD को कैंडिडेट को यहाँ पे छूट है, एज में रिलैक्सेशन है, लेवल 4 की सैलरी रहेगी। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं SC/ST PWD फीमेल कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन है, कोई भी एप्लीकेशन फी आपको नहीं देना है। बाकी अदर कैंडिडेट हैं अगर जनरल हैं, ओबीसी हैं या फिर आप EWS हैं तो आपको 700 रुपये एप्लीकेशन फी देने होंगे। इसी के साथ ही देख सकते हैं अप्लाई डेट यहाँ पे 27 मार्च से लेकर के आप 26 अप्रैल 2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दोनों ही पोस्ट के लिए जारी किया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे PDF पे तो यहाँ से आपको जो डाउनलोड होकर के आ जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करना है। इसके साथ ही देख सकते हैं डेट है 27 मार्च से 26 अप्रैल तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ ही नीचे आएंगे तो करेक्शन का डेट दिया गया है, यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया, बाकी यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका Stage 1 Stage 2 स्किल टेस्ट होगा इसके बारे में डिटेल दिया गया है और यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर सकते हैं। तो सारी डिटेल इसमें प्रोवाइड की गई, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।